उत्तर कोरियाई नेता किम जोन उन ने तोपखानों और परमाणु संयंत्र बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए लॉन्चिंग व्हीकल बनाने वाली फैक्ट्रियों समेत देश के अलग अलग हथियार उत्पादन केंद्रों का दौरा किया है। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस बनाने के प्रयास और युद्ध से जुड़ी तैयारियों को तेज करने का संकल्प लिया है। किम जोन का यह 3 दिवसीय दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस महीने संयुक्त सैन्य अभ्यास के अगले चरण की शुरुआत करने वाले हैं। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण और अमेरिका दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यासों से कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव अपने चरम पर है। किम जोन इन सैन्य अभ्यासों को आक्रमण का अभ्यास बताते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि किम का हथियार फैक्ट्रियों का दौरा रूस के साथ संभावित सैन्य सहयोग से जुड़ा हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अन्य देशों से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सहयोग देने की अपील की है, जिसके तहत उत्तर कोरिया मॉस्को को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई कर सकता है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार किम ने बड़े कैलिबर की तोपें बनाने वाली एक अज्ञात फैक्ट्री का निरीक्षण करने के दौरान उत्तर कोरिया की युद्ध संबंधी तैयारियों में फैक्ट्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों और कार्यों पर जोर दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम ने गोलों की क्वालिटी में सुधार लाने और निर्माण की गति बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी कदम उठाने के फैक्ट्री के प्रयासों की सराहना की, लेकिन उन्होंने नए तरह के गोले बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। एक अन्य फैक्ट्री में भी किम ने कहा कि सेना के लिए वाहनों की सप्लाई बढ़ाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उन्होंने उत्पादन के लिए एक ठोस नींव तैयार करने के लिए कर्मचारियों की तारीफ की। किम ने हथियारों की एक छोटी फैक्ट्री का भी दौरा किया और सैनिकों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों को और एडवांस बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया से बढ़ते टकराव के मद्देनजर किम रूस और चीन से अपनी साझेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही वह अपने आप को कूटनीतिक रूप से अलग थलग किए जाने की कोशिशों को चुनौती दे रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चे में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं।